जहन दोस्तों, एक मामला लंबे तय मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, जिसमें हमारी मांग है कि सबका समान किया जाए और गवर्नमेंट है जो बिल्कुल सुन नहीं रही है। इसके बाद मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट भी दे रहा है तारीख। आइए इसके बारे में जानकारी बोर्ड के जरिए से करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह प्रेशर बना जाए ताकि हमें समान एमएसपी मिले। बात करते हैं कि एमएसपी 6th पे कमीशन में लागू हुई थी, सबको पता है, और ये 7th पे कमीशन में जाके अफसर का 15,500, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ है उनका 10,800 और जेएसयू जवान का 5,200 हुआ। और उसी दिन से ये क्राइसिस चल रहा है, ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी डिमांड रखी जा रही है। और इसको स्वीकारा था सबसे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पारकर जी ने, मैं स्वर्गीय रक्षा मंत्री बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला रिस्क ऑफ लाइफ तो सबकी सेम है, इसका तो भत्ता ये सेम होना चाहिए। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बात कही थी। 7th पे सीपीसी का दौर आया, उसमें बहुत सारी कोशिशें हुई। मैं इस बात से एग्री करता हूं, फौज की तरफ से रिकमेंडेशन गई थी कि एमएसपी को और थोड़ा रिवाइज किया जाए, कम से कम एटलीस्ट 3 कैटेगरियों में बांटा जाए, अफसर, जेएसयू, और उसमें आपने देखा होगा 2018 में जनरल बिपिन रावत साहब थे, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। पर्सनली हम भी उनके सामने खड़े थे, बात हो रही थी। लेकिन ये न्यूज भी आई कि जेएसयू की बढ़ेगी या जवानों की 10,300 कुछ होगी, 2018-19 में इसकी बात चली। लेकिन आइए, अब मामला पूरी तरह अमान्य कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब देखिए, तो गवर्नमेंट को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर करना पड़ता है, यानी प्रेशर। अब प्रेशर किसका, या तो हमारे पास यूनियन हो या हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर हो। यूनियन यानी संगठन। अब वेटरन्स का संगठन है, उसका उतना प्रभाव पड़े, अंदर सर्विस रहते हुए हम संगठित इस तरीके का हम नहीं कर सकते। आज कल की बात बता रहा हूं, चंडीगढ़ में बिजली के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, फौज जाकर के खंभों पे लाइट ठीक कर रही है, घरों घरों में लाइट पहुंचा रही, मतलब फौज का इस्तेमाल कितना अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्राइवेट कंपनी को दे दिया, उन्होंने बोला भाई हमारी ये चीज दे दो, नहीं करो तो कौन करेगा, फौज। अब फौज ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर होता क्या है, पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टी प्रेशर डाले, जैसे कि आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है, खासकर आप देखोगे, ये है पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसकी बहाली हुई है, और 7 स्टेटों ने आज घोषणा की है, आज अभी की न्यूज है, कि सब ये किसके लिए किए, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, कि नहीं हम भी ओल्ड पेंशन सिस्टम पे जाएंगे। और ये भारत सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, मैं आज से वादा करता हूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने अर्धसैनिक बल हैं, उनकी पेंशन बहाली करनी ही पड़ेगी, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी, उन सबकी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं रहेंगे जनरल इलेक्शन तक, सीधी सी बात है। जब इन मांगों को इस तरीके से प्रेशराइज करके माना जा सकता है, तो फिर एमएसपी हो या ओआरओपी क्यों नहीं माना जा सकता, क्यों सब चीजें, क्योंकि अब हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। और इसी तरह दूसरी पार्टी यदि इसको चुनावी मुद्दा बनाती है अगले जनरल इलेक्शन में, तो इनको, सच बता रहा हूं, नीचे आकर के एमएसपी भी एक्सेप्ट करेंगे, ये ओआरओपी भी एक्सेप्ट करेंगे, और सेना का इस्तेमाल नहीं, सेना की सच्ची तरीके से इज्जत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो पक्का शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू।